दोस्तों आमतौर पर गर्मियों में तापमान जब 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो हम गर्मी से परेशान हो उठते हैं। सोचिए अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो धरती पर रहने वाले जीवों का क्या होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकता है। एक ऐसा जीव भी है जो खौलते हुए पानी में जीवित रहता है। इतना ही नहीं, यह जीव अंतरिक्ष में भी जिंदा रहता है। इसे धरती का सबसे मजबूत जीव कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। टार्डिग्रेड लगभग पूरी दुनिया में समुद्री, मीठे पानी और स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ज़्यादातर टार्डिग्रेड्स को सक्रिय रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हालांकि स्थलीय टार्डिग्रेड्स काई और पत्तियों के ढेर जैसे नम वातावरण में रहते हैं। सूखे की अवधि में टार्डिग्रेड्स निर्जल अवस्था में चले जाते हैं जब तक कि अधिक उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हो जाती। वे विशेष प्रोटीन और ट्रेलोस नामक एक चीनी का उपयोग करके इस निर्जल अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। टार्डिग्रेड्स छोटे अकशेरुकी प्राणी होते हैं जिनकी लंबाई 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। टार्डिग्रेड्स एक सूक्ष्म जीव हैं जिसे पानी का भालू भी कहा जाता है, क्योंकि उनके चलने की गति एक भालू के समान होती है। टार्डिग्रेड के शरीर में 5 खंड होते हैं और उसके पास 4 जोड़ी जोड़ रहित पैर होते हैं जिनमें प्रत्येक पैर के अंत में चूसने वाले डिस्क पंजे होते हैं। टार्डिग्रेड्स का सिर एक कठोर स्टाइलेट, एक जांच जैसा मुंह वाला हिस्सा और भोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मांसल ग्रसनी से बना होता है। टार्डिग्रेड्स को दुनिया का सबसे मजबूत जीव माना जाता है। वाटर बियर यानी टार्डिग्रेड्स को चाहे आप खौलते पानी में डाल दीजिए, भारी वजन से कुचलिए या फिर अंतरिक्ष में फेंक दीजिए, तब भी ये जिंदा रहता है। साल 2007 में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे टार्डिग्रेड्स को सैटेलाइट में डालकर स्पेस में भेजा था। स्पेसक्राफ्ट के धरती पर लौटने पर देखा गया कि टार्डिग्रेड्स सिर्फ जीवित ही नहीं थे बल्कि मादा टार्डिग्रेड्स ने अंडे भी दे रखे थे। यह अजीब जीव 300 डिग्री फारेनहाइट के तापमान को सहन कर सकता है। इतना ही नहीं, यह अंतरिक्ष की ठंड और मारियाना ट्रेंच जैसे भारी दबाव वाले क्षेत्र में भी जिंदा रह सकता है। ये आमतौर पर उन जगहों में पाए जाते हैं जो पानी की मौजूदगी के बाद सूख जाती हैं। सूखा होने पर टार्डिग्रेड के कुछ ऐसे जीन सक्रिय हो जाते हैं जो उनकी कोशिकाओं में पानी की जगह ले लेते हैं। फिर वापस से मिलने पर ये कोशिकाओं को पानी से भर लेते हैं। समय के साथ इस जीव में शुष्क माहौल में भी जीवित रहने और कई सालों बाद दोबारा पानी पाकर जिंदा हो उठने की क्षमता विकसित हो चुकी है। टार्डिग्रेड्स के अंदर एक जीन पाया जाता है जो एक सुरक्षात्मक फ्लोरोसेंट ढाल की तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित कर उसे हानि रहित नीली रोशनी के रूप में वापस निकालता है। टार्डिग्रेड 8 पैरों वाला जीव है और बेजर और कैटरपिलर के बीच के क्रॉस जैसा दिखता है। ये आलू के आकार का होता है और इसकी चाल भालू जैसी होती है। टार्डिग्रेड इतना छोटा होता है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। टार्डिग्रेड पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाया जाता है, जैसे कि पर्वत, महासागर, वर्षावन, अंटार्कटिका, गहरे समुद्र के झरोखे और मिट्टी के ज्वालामुखी में भी। टार्डिग्रेड 30 वर्षों से अधिक समय तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। टार्डिग्रेड को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मॉडल जीव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टार्डिग्रेड के शरीर लंबे, मोटे और 8 छोटे पैर होते हैं। वे कीड़ों और क्रस्टेशियंस से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ हद तक सुअर या भालू जैसे दिखते हैं। ज़्यादातर टार्डिग्रेड प्रजातियां 0.5 मिलीमीटर से भी कम लंबी होती हैं, जो धूल के कण के आकार के बराबर होती हैं। कुछ प्रजातियां बड़ी होती हैं जो 1.5 मिलीमीटर तक बढ़ती हैं,
जो रेत के दाने के आकार के बराबर होती हैं और उन्हें नंगी आँखों से देखा जा सकता है। टार्डिग्रेड्स अर्धजलीय होते हैं, वे जलीय और स्थलीय दोनों ही तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। महासागरों और झीलों से लेकर पहाड़ों, जंगलों और रेत के टीलों तक वे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ठंडे अंटार्कटिक ग्लेशियरों से लेकर सक्रिय लावा के क्षेत्रों तक वे सबसे ज़्यादा काई में रहते हुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर टार्डिग्रेड शैवाल और फूल वाले पौधे खाते हैं, पौधों की कोशिकाओं को छेदते हैं और अपने ट्यूब नुमा मुँह से उनकी सामग्री को चूसते हैं। हालांकि कुछ मांसाहारी होते हैं और दूसरे टार्डिग्रेड को खा सकते हैं। टार्डिग्रेड प्रकृति के अग्रदूत हैं, जो नए संभावित रूप से कठोर वातावरण में उपनिवेश स्थापित करते हैं और बाद में आने वाले बड़े जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। टार्डिग्रेड संभवतः समुद्र को छोड़कर सूखी जमीन पर बसने वाले पहले जानवरों में से एक थे। टार्डिग्रेड से मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों को अभी तक टार्डिग्रेड की ऐसी प्रजाति की पहचान नहीं हो पाई है जो बीमारी फैलाती हो। टार्डिग्रेड आमतौर पर पूरी तरह से सक्रिय होने पर केवल कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं। जब पानी की कमी होती है तो वे एक गेंद की तरह सिकुड़ जाते हैं और ट्यून अवस्था में प्रवेश करते हैं। अपनी सक्रिय अवस्था में टार्डिग्रेड निश्चित रूप से नश्वर होते हैं। जब वे इस अवस्था में नहीं होते तो उन्हें मारना अपेक्षाकृत आसान होता है। वे वास्तव में अधिकांश सूक्ष्म जीवों की तरह ही नाजुक होते हैं। जापानी शोधकर्ताओं ने टार्डिग्रेड को 30 साल तक फ्रीज करके रखा और फिर उन्हें पुनर्जीवित किया और उनके प्रजनन को देखा। टार्डिग्रेड से जो कुछ हमने सीखा है उसका उपयोग स्ट्रोक या दिल के दौरे के पीड़ितों की मदद करने के लिए किया जा सके, ताकि उपचार के दौरान उनके महत्वपूर्ण अंगों को और अधिक क्षति से बचाया जा सके, या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में काम करने वाले तकनीशियनों को विकिरण से बचाने में मदद की जा सके, या संभवतः अंतरिक्ष यात्रियों की लंबी उड़ानों में जीवित रहने में मदद की जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।